हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। और टॉपिक चल रहा है, जैसे कुछ सब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं जिनकी सीरीज आपको मिलती है, जैसे पीपीआई का कॉन्सेप्ट चल रहा है और दो दिन में मैंने बोला था दो दिन लगेगा, दो दिन में कंप्लीट कॉन्सेप्ट, मतलब 100% कॉन्सेप्ट आपका प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से करा के दे दूंगा। मतलब बीकॉम वाले आप लोग 20 मार्क्स रख लो और बैफ वाले बच्चे जो है ना भाई 15 मार्क्स, इसके बाहर मतलब इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। जो कंडीशंस आएगी जितने भी आएंगे सब इसी में से आएंगे, जितने प्रैक्टिकल्स आपको कराए जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। ये 20 मार्क्स अपना फिक्स कर लो, ये टॉपिक बीकॉम वाले, बैफ वाले बच्चे अपना 15 मार्क्स क्लियर कर लो। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा केसेस हमारे इस पे कवर हो जाएंगे। मतलब किस टाइप के रेंट पूछे जा सकते हैं, किस टाइप का हमारा सरसेल्स पूछा जा सकता है, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं काफी टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले काम करना है सर टाइम रेशियो निकाल लो, सबसे पहला काम हमारा यही होता है, बाकी एक्सपेंसेस की डिटेल हम समझते हैं, पहले सेल्स की बात टाइम रेशियो की बात कर लेते हैं। क्लियर? देखो बोला गया है अमाया लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st अगस्त 2016। क्लियर मेंशन है भाई अगस्त, और इनका जो ईयर स्टार्ट हो रहा है क्लियर, वहां पे लास्ट में देखो लिखा गया है डिटेल्स जो आपको दिए गए, इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017। तो मतलब टाइम रेशियो में तो किसी बच्चे को सर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। क्लियर बोले हैं अगस्त में, मतलब यहां पे आपको दिख रहा है, तो ये सर हमारा हो गया। इसकी बात करते हैं सर प्री का पार्ट है, कितने मंथ सर? 4 मंथ्स, चलिए 4, और यहां से हमारा स्टार्ट होगा सर प्री हो गया, तो ये आपका पोस्ट हो गया। बैलेंस, बैलेंस कितना? 8, 4 1 4 4 2 8। इसमें तो किसी बच्चे को सर कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल है। चलिए अब आगे का डिटेल्स मैं ऐड करता हूं, पहले ये चीजें आप समझ लो सर कहां से लिखी गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो डिटेल्स है सर कुछ चेंज है क्या, जैसे लास्ट वाले हैशटैग में था, मतलब हैशटैग 4 में था, वैसे कुछ है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, एक ही कंडीशन है बस। क्या है? थोड़ा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखो और मैच करो क्या क्या चीजें मैंने लिखा। ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है सर, ग्रॉस प्रॉफिट मैंने लिख दिया, उसके बाद लेस एक्सपेंसेस करके जैसे एक्सपेंसेस आपके लिखे गए मैंने कॉपी किया है, एक एक्सपेंसेस को छोड़ के। ये जो आपकी सैलरीज है यहाँ पे दो पार्ट में सिर्फ डिवाइड हुआ था, बाकी एक्सपेंसेस की जब मैं बात करता हूँ सीधा कॉपी पेस्ट हुआ है, कोई चेंजेस उसमें मैंने नहीं किया। आप मैच करो वहां से, क्वेश्चन से देख लो सर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। अमाउंट भी लिखना है तो लिख लो, चलो अमाउंट भी पहले लिखना है तो मेंशन कर लो और एडिशनल अमाउंट लिखने से पहले पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात कर ली जाए तो ज्यादा बेस्ट है। रेंट के बारे में देखो पहले जिस पे है और डिटेल्स आप टिक करो, रेंट पे बोला है तो मैंने रेंट को से टिक किया, रेंट के बारे में डिटेल है, क्या डिटेल से बाद में पढ़ते सर। सेल्स है, सेल्स हमारा सेल्स रेशियो फाइंड आउट होगा सर। ऑडिट फीस के बारे में डिटेल है तो ऑडिट फीस पे आप ध्यान रखना, ऑडिट फीस हमारा कहाँ है सर? ऑडिटर्स फीस हमारा यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा सर बैड डेब्ट्स के बारे में कुछ कंडीशन बोला है, बैड डेब्ट्स हमारा यहाँ पे है, उसको मैंने टिक किया। एंड सैलरीज के बारे में तो सैलरीज तो ऑलरेडी किया, मतलब इतने पे डिटेल से एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बाकी तो हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमको करना क्या है सर, पहले तो आप अमाउंट कॉपी कर लो, क्या कर लो? अमाउंट कॉपी कर लो। चलिए अमाउंट कॉपी करने स्टार्ट करते हैं, जीपी का 1920, डायरेक्टर्स फीस क्वेश्चन से मैं देख के कॉपी करता हूं 98, हमारा रेंट है सर। बैड डेब्ट्स की बात करेंगे तो 24 है। सैलरीज में थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए उसको साइड रखो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बाकी अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा कॉपी पेस्ट चलेंगे हमारे। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सर 48। क्लियर है? डेप्रिसिएशन की बात करेंगे सर 132। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात करते हैं सर 84। जनरल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करेंगे सर 98,400। नेक्स्ट अगर कमीशन ऑन सेल्स की बात करेंगे सर 72। प्रिंटिंग स्टेशनरी आपका 186।
नेक्स्ट हमारा 241 सर, इसमें देखो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। ऑडिटर्स 117 200, कैरेज आउटवर्ड हमारा सर 145 600, आप 6 करो। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सर 88 800 48, टोटल करते हो तो सर 1920 आ रहा है। किसी बच्चे को डाउट प्रॉब्लम है? देखो बात पहले उन बच्चों की कर लेते हैं जो बच्चे थोड़ा सा सम देख के टेंशन में रहते हैं कि सर हम कितना करें, कम से कम 20 नहीं कुछ नंबर तो मिल जाए हमको। पहला ये ऑब्जेक्टिव है सर, कुछ नंबर तो मिले। तो मेरा काम है हर एक बच्चा टाइम रेशियो तो फाइंड आउट आप कर सकते हो सर, बिल्कुल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कॉपी करने में भी सर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक काम करो, देखो जिस पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे सर 1 2 3 एंड ये 4 पे है, ये 4 को छोड़ दो, बाकी का पहले बेस डिसाइड करो किस पे जाएगा। चलिए बात करते हैं सर, जीपी हमारा जाता है सेल्स पे, तो आपने लिखा सेल्स यहाँ पे। डायरेक्टर्स फीस आपको याद होनी चाहिए, कहाँ पे जाता है सर, कहाँ पे जाएगा, पोस्ट में जाएगा, आपको याद होना चाहिए। रेंट की बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन है छोड़ दो, बैड डेट्स में है छोड़ दो, सैलरीज में है छोड़ दो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर याद होना चाहिए, पोस्ट में जाता है। डेप्रिसिएशन सर हमारा ये किस पे जाता है सर, टाइम पे जाता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सर कहाँ जाता है, याद होना चाहिए, पोस्ट में जाता है। ये सब यही इंफॉर्मेशन है, जब याद होगी तो देखो कितने इजी और कितना नंबर मिल सकता है सर। अगर हमारा कोई कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है या फिर कोई कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा तो भी बता रहा हूँ कितने नंबर तक हम पहुंच सकते हैं। जनरल एक्सपेंसेस किस पे जाता है सर, ये हमारा टाइम पे जाता है। कमीशन ऑन सेल्स तो मेंशन ही है भाई, सेल्स पे जाएगा ये। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर हमारा टाइम पे जाता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स पे जाएगा। ऑडिटर्स फीस के बारे में बोला है छोड़ दीजिए। कैरेज आउटवर्ड हमारा सर सेल्स पे है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारा सर टाइम पे है। इंश्योरेंस प्रीमियम सर हमारा ये टाइम पे है। ये कर लिए सर, बिल्कुल। मैंने आपसे पूछा आप टाइम रेशियो आपने फाइंड आउट किया सर, बिल्कुल किया। तो आप सिंपल सा क्या करो, टाइम रेशियो वाले तो पहले डिवाइड कर लो। टाइम रेशियो की जब बात करते हैं सर, कहां पहले देखो डायरेक्टर्स फीस भी पोस्ट में लिख दो, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में भी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, भी लिख दो। देखो सिंपल से लॉजिक्स बस चल रहे। डेप्रिसिएशन टाइम पे, टाइम हमको पता है सर 1:2 का रेशियो, डिवाइड करेंगे भाई 1,32,000 को टाइम पे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 1/3 कर दो। मैं आपसे बात करूं, डेप्री 4488 आ रहा है, कैलसी उठा लेना, कर लेना भाई 4488। अब सबको रेशियो निकालना अब तक सीख गए होंगे जो बच्चे स्टार्टिंग से देखते आ रहे सर। चलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये भी हो गया। 98400 टाइम पे लेके चले जाओ, टाइम हमारा 1:2 का है, 98400 जब टाइम पे लेके जाओगे आप, 98400 32800 32800। सेकेंड अमाउंट सर 65600 65600, कोई प्रॉब्लम। सेल्स अभी तक हमने निकाला नहीं है। टाइम रेशियो यहाँ पे एक और आ गया है सर, 186 को टाइम पे लेके चले जाओ, 186 टाइम 62 और उसके बाद 124 आपका। नेक्स्ट और टाइम पे कौन सा है सर, लास्ट के दोनों टाइम पे है, 88800 को टाइम पे लेके जाओ, 29600। सेकेंड आपका आएगा सर 59200, कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं है। लास्ट भी टाइम पे है सर 48000 टाइम पे 1632। आधे से ज्यादा काम हमने कर दिया सर, आधे से ज्यादा काम कर लिया। और अगर आपको सेल्स निकालने आ गया तो बहुत आसान और कहानी हमारे लिए हो जाती है, मतलब बीकॉम क्लास वाले तो आपको इजीली 15 मार्क्स मिल जाएगा अगर आपने सेल्स निकाला। सेल्स में पुटअप का मिनिमम बता रहा हूं 15 मिलेगा, क्लियर है? बिल्कुल। चलिए तो सेल्स की तरफ चलते, पहले हम लोग सेल्स देखेंगे। और समझेंगे कहानी इनकी क्या बोली जा रही है। सेल्स रेशियो एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2, थोड़ा सा साइड हो जाता है और उसके बाद पढ़ते कहानी तो थोड़ी समझ में आए।
सेल्स फॉर ईच मंथ ऑफ दिसंबर 2016 टू मार्च 2017 वेयर डबल द मंथली सेल ऑफ अप्रैल 2016 टू नवंबर 2016। अब थोड़ी कहानी इनकी ध्यान से सुनना, समझ रहे हैं। बहुत सिंपल लाइन बोल ले जो आपका दिसंबर से मार्च का जो मंथ था उसमें आपका सेल्स डबल हो गया है जो आपका अप्रैल से नवंबर तक का सेल था। क्या बोला गया फिर सुनो, साल का जो टाइम था पूरा 12 मंथ, चलो मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, बहुत सिंपल है इसका आंसर है, ध्यान रखना आप लोग। अप्रैल से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जन, फेब, मार्च। क्लियर है? बिल्कुल सर। क्या बोला जा रहा है, कंडीशन थोड़ा समझते हैं। बोला जा रहा है कि ये जो टाइम है अप्रैल से लेके नवंबर तक जितना भी सेल था पर मंथ का, जितना भी पर मंथ का सेल था इसमें दिसंबर से मार्च में डबल हो गया है। तो एग्जांपल लेते सर, ये मान के चलते वन था, इसमें भी वन, वन, वन करते चलो आप। दिसंबर से मार्च का सर डबल, डबल मीन्स टू हो गया, टू 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 टू। क्लियर है? बहुत इजी टॉपिक था सर, डबल बोला था तो डबल कर दो, जिस मंथ से बोला उस मंथ से डबल कर दिया हमने। अब सिंपल से भाई आप ये डिसाइड करो, ये पता है सर हमको कि यहां से हमारा सर प्री है, सॉरी यहां से हमारा पोस्ट है, इसके पहले प्री है। तो मैंने बोला प्री में कितना आया सर, प्री में कितना आया, तो वन टू थ्री फोर, फोर आया। तो पोस्ट में कितना है, वन टू थ्री फोर, ये प्री, पोस्ट में सर वन टू थ्री फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, एट प्लस टू टेन, टेन प्लस टू फोर, वन जा फोर, थ्री जा। समझ में आया? आई होप बच्चों को समझ में आएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, फिर से वीडियो को रिपीट कर लेना और समझ में कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सेल्स रेशियो निकाल लिए सर, तो काफी इजी कॉन्सेप्ट हमारे लिए और हो गया। जैसे सेल्स रेशियो की बात कर लो, 1920 को डिवाइड करता हूं सेल्स रेशियो पे, तो 480 आ जाएगा बैलेंस जो बचा यहां पे, कितना सर 1440। किसी बच्चों को इसमें डाउट, कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। सेल्स और कहां पे दिखा सर, यहां दिख रहा है सेल्स हमको। 72 को सेल्स पे लेके जाओ, 13 के रेशियो पे लेके जाओ 72 को, तो 1854 नेक्स्ट आपका 54। सेल्स में यहां पे भी दो दिख रहे हैं, डिवाइड करो 241 को सेल्स पे लेके जाओ, 241 सेल्स, 6250 सर, 6250 एंड बैलेंस हमारा सर 187.50। रेशियो फाइंड आउट करना आई होप हर एक बच्चे को आ रहा होगा, कैलसी से करते चलो साथ में। सेल्स 145600 को सेल्स पे लेके जाओ, 145600 तो सर 36400 और नेक्स्ट आपका 19200। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर, बहुत आसान सी कहानी हमारे लिए बनती है, कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए एक एक डिटेल्स को क्लियर करते हैं। पहले ऑडिटर्स फीस की बात कर लेते हैं जो कि इजी है। ऑडिटर्स फीस इज फॉर द एंटायर ईयर, वैसे भी नहीं बोला होता तो भी हम टाइम पे ही लेके जाते, बट बोल दिए क्लियर कि भाई इंटायर ईयर का, इट मीन्स ये तो वैसे भी अब टाइम पे जाएगा। 117200 टाइम पे लेके जाओ, 12 में डिवाइड करो, 117200 टाइम पे सर 3966, बैलेंस लेके चले जाओ सेकंड में 78134। एक प्रॉब्लम खत्म। चलिए नेक्स्ट रेंट, रेंट की बात कर लेते हैं। वर्किंग पार्ट में आ जाओ, रेंट समझो आप क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, सुनना, समझना है। रेंट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोर स्पेस ऑक्युपाइड, बोला कि रेंट जो है भाई जितना एरिया आप ऑक्युपाई किए हो, मतलब कवर किए हो, उसी के बेस पे आपको पे करना है। क्लियर बोला है, फ्लोर स्पेस ऑक्युपाइड वॉज डबल इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। बहुत सिंपल है बट बच्चे कंफ्यूजन में है, ध्यान से सुनो फिर से मैं बना लेता हूं। ये किसका वर्किंग है सर, रेंट का। फिर से सेम सिस्टम सर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये तो आपका प्री है, प्री, और यहां से आपका पोस्ट है,
और बहुत सिंपल कहानी उन्होंने बोला है, बोला प्री जो पीरियड में आपका रेंट था वो डबल हो गया पोस्ट में, तो फिर से यही कॉन्सेप्ट आप लो। प्री में इसका मतलब सर मेरा वन था, पोस्ट से डबल हुआ मतलब टू, यही बोलोगे ना आप, डबल भाड़ा देना पड़ेगा भाई आपका पोस्ट में, तो पोस्ट से कर देना है आपको। तो सर ये कितना हुआ 1111, तो इट मीन्स आपका 4, क्योंकि यहां से आपका पोस्ट है, 2 + 2 + 2 कर लो तो आपका हो जाएगा 4 1 4 6, ये आपका 16, 4 1 4 आया। किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन इसमें सर नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल लॉजिक है। उन्होंने बोला कि भाई प्री में जो रेंट आप देते थे ना पोस्ट में डबल हो गया, इसका मतलब है सर रेंट आपका पर मंथ इंक्रीमेंट हो गया, इट मींस डबल हो गया। तो आपको करना क्या, जितना यहाँ पे प्री का रेंट आप पे करते थे वो पोस्ट में आपको डबल कर देना है, तो आपका जो रेशियो आया 1:4 का बन जाएगा। तो रेंट का क्लियर कर लो, रेंट आपका 1:4 का हो जाएगा। ये आप वर्किंग नोट दिखा दो, वर्किंग नोट नंबर सर थर्ड है हमारा 1:4 पे, 71 को 1:4 के रेशो पे लेके जाओ, 71 को 1:4 के रेशो पे आप लेके जाओगे, जाओ रेंट आपका 171 है, 171 तो आपका 34200 आया सर, 34200। नेक्स्ट आपका सर कितना आ जाएगा 136800। यहां तक सर कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रही है। आगे का डिटेल्स थोड़ा देखते हैं क्या बोला गया है, बैड डेब्ट्स क्लियर करते हैं। पहले बैड डेब्ट्स का क्या बोला गया, बैड डेब्ट्स रुपीज 1000 वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्स इफेक्टिव 2 इयर्स ago। बहुत सिंपल लॉजिक है बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, बहुत सिंपल है। यहां पर मैं करता हूं बैड डेब्ट्स के बारे में कंडीशन क्या है वो थोड़ा सा देखते हैं। बोला गया जो आपका 1000 बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स टोटल कितना है सर 24 में से जो आपका 1000 है वो 2 साल पहले का है, पहले का इसका मतलब सर प्री का पार्ट है वो, तो भाई ये 24 में से 1 माइनस कर दो, बैलेंस कितना बचा सर 23। ध्यान से देखो आप 23 बैड डेब्ट्स कौन से रेशियो पे आप लेके जाते हो, तो सर बैड डेब्ट्स हमारा सेल्स पे जाता है, तो सेल्स रेशियो पे लेके जाओ। सेल्स हमारा कितना है सर यहाँ पे 13 है, इट मीन्स 23,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4, ये आपका प्री हो गया, और 23,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4 ये आपका पोस्ट हो गया, पोस्ट का आपका कितना है 3, तो 3/4, तो 23 3/4 पहले आप पोस्ट का निकालो, ये आपका पोस्ट है, ध्यान रखना ये आपका पोस्ट है, पहले पोस्ट का निकालो आप लोग। तो पोस्ट का बैड डेब्ट सर 17,250, ये तो सीधा मिल गया होगा। प्री निकालो आप, प्री निकालो, प्री आ रहा है सर 5750, ये तो ये 23 में से और 1 पहले से आपका, तो 1 ऐड करना तो कितना हो जाएगा सर 6750। ये चीज इंपॉर्टेंट थी आप समझ लेना, वर्किंग नोट नंबर 4 क्या बोला गया सर, बहुत सिंपल लॉजिक है। आपको करना क्या है, जितना पहले का होगा उसको पहले साइड कर दो, भाई टोटल था 24, बोल रहे कि 1000 पहले का था तो उसको साइड करो 1, बचा कितना सर 23, प्री पोस्ट में डिवाइड करो, प्री का जो आएगा पहले वाला ऐड कर दो सर, हो जाएगा क्लियर, और टोटल करके देख लेना 24 मैच होना चाहिए। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। चलिए सैलरीज की जो लास्ट एक एंट्री बाकी उसकी बातें कर लेते हैं। मिस्टर अमोक वॉज ए वर्किंग पार्टनर इन ए फर्म, वर्किंग पार्टनर है इसका मतलब इससे किस में जाएगा, प्री में जाएगा, इन द फर्म इंटाइल टू ए रेम्यूनरेशन एट द रेट ऑफ ₹24,000 पर मंथ। ध्यान से सुनना है, सैलरीज का अमाउंट की अगर मैं बात करूं सर 3,66,000 दिया, ध्यान से बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब इसमें से कंडीशन क्या बोला है, मिस्टर अमोग है, अब इसमें से पहला पार्ट जो आ रहा है ध्यान से देखना है, पहला पार्ट मिस्टर अमो ये पार्टनर के बारे में बोला कि ये एक पार्टनर है, पार्टनर है तो इसका मतलब सर पार्टनर सैलरी हमारा किस में जाता है, ये प्री में जाता है, इसका मतलब ये कहां जाएगा अमाउंट सर, ये आपका जाएगा प्री में, कहां जाएगा सर प्री में। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या बोला गया सर 24,000 पर मंथ, क्या बोला गया सर पर मंथ, तो आपको ये पता होना चाहिए सर प्री का कितना मंथ है, प्री का सर 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब सर मल्टीप्लाई 4 या 96,000 आपका आ गया प्री में मिस्टर अमोक के नाम से। क्लियर है, बिल्कुल। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं, क्या कहानी बोली गई, क्या कंडीशंस आपका ऐड किया गया इसमें।
ऑन 1st अगस्त 2016 ही वॉज मेड ए मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स कहाँ पे होते सर? हमारे कंपनी में होते, इसका मतलब ये पोस्ट का काम है, पोस्ट में जाएगा आपका ऑफ द कंपनी एंड इंटायर टू सैलरी एट द रेट ऑफ ₹30,000 पर मंथ। ध्यान से सुनना। सेकेंड केस मतलब सेकेंड पार्ट इसमें क्या है आपका, ये कहाँ जाएगा? पोस्ट में। किसके नाम से सर? सेम मिस्टर अमोक, पहले पार्टनर थे बाद में उनको डायरेक्टर्स बना दिया गया और सैलरी इंक्रीमेंट हो गई। सैलरी कितना सर? 30,000। कितना सर रिमेनिंग जो पीरियड बचेगा? 4 मंथ। मतलब पोस्ट वाला, पोस्ट वाला कितना मंथ है सर? 8 8 2 3 24, ये 2,40,000 आ गया। क्लियर सर? बिल्कुल किसी बच्चे को इसमें डाउट कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मतलब सिंपल सा टॉपिक्स बोला था। तो यहां पे मिस्टर अमोक के नाम से वर्किंग, सॉरी टोटल आपका कितना है? टोटल कर लो 240 प्लस 96 कर लो, कितना आ जाएगा? 336 आ जाएगा। और यहां पे आपको लिखना वर्किंग नोट नंबर 5। फर्स्ट में कितना सर? 96। जान से समझ रहे। सेकंड में सर कितना? 240। क्लियर है? बिल्कुल। 336 हो चुका है टोटल। टोटल कितना था सर? 3,66,000। तो बैलेंस कितना बचा उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट में जो बच गया उस सर हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस। और बैलेंस कितना बचा हुआ, पहले अमाउंट की बात कर लेते हैं। टोटल टोटल 336 माइनस अपना कर दो 366, तो 30,000 ये आपका बैलेंस बचा है। बैलेंस के लिए क्या कंडीशन दे रहे हैं, डिटेल्स पढ़ते हैं। बैलेंस के डिटेल्स क्या लिखा है? द रिमेनिंग सैलरी, जो रिमेनिंग सैलरी बच गई मीन्स बैलेंस आपका बच गया, बोला गया टू क्लर्क्स एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1st जुलाई से रखा गया है नवंबर तक। अब ये कंडीशन आप ध्यान से सुनो, जुलाई से कब तक? नवंबर तक। जुलाई कहां पे दिख रहा है आपको सर? अप्रैल मई जून जुलाई यहां दिख रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कहां तक दिया सर डेट? नवंबर लास्ट। तो नवंबर काउंट हो जाएगा आपका। कितना मंथ सर? 1 2 3 4 5, 5 मंथ का 30,000। तो 1 मंथ का कितना? तो सर सिंपल सा है, 1 मंथ का निकालना है तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 5 5 6। तो ये हमारा है सर पर मंथ का। ध्यान से समझो क्या है सर? पर मंथ का। अब इसमें आप ये डिसाइड करो प्री का कितना मंथ है सर, पोस्ट का कितना मंथ है। तो प्री का आप ध्यान से देखो, एक ही मंथ आ रहा है ये वाला, तो इसमें 6, बाकी सब में 6 6 6 6, तो 6 ये आपका 24 हो जाएगा। ये 6, इसका मतलब सर ये क्लर्क की जो आएगी, क्लर्क में टोटल कितना सर? 30,000। वर्किंग नोट नंबर 5, टोटल 30 में से आपका, सॉरी टोटल तो मैंने यहां लिखा है, प्री में आपका कितना है सर? 6। और यहां पे कितना गया सर? 24। सैलरी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। बैड डेब्ट्स जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप से एग्जांपल आपको दिखने में मिलता है। कंप्लीट टोटल दे देंगे और उसके बाद कुछ कंडीशंस ऐसे ऐड करेंगे जैसा इसमें ऐड किया, फिर आपको टोटल फाइंड आउट करना पड़ता है। क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए टोटल एक्सपेंसेस कर लेते हैं। प्री का कितना आया है कैलसीट आप लोगों को करना है, 481.66। पोस्ट का टोटल सर 1438 934। इनकम कितना है प्री में आपका? 4,80,000। एक्सपेंसेस 481, इसका मतलब लॉस है। लॉस है तो क्या लिखना पड़ता है सर? गुडविल। बैलेंसिंग फिगर आपका प्री का कितना आया? 1066 आपका आ रहा है। एंड पोस्ट की बात करो, 1440 है एक्सपेंडिचर हमारा, एक्सपेंसेस 438 934, तो प्रॉफिट हो रहा है सर कितने का? 1066। और आंसर हमेशा मैच कर लिया करो, दोनों का प्लस मतलब गुडविल लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जीरो हो गया। तो आप अपने क्वेश्चन से मैच करो, वहां पे भी प्रॉफिट आपका जीरो दिख रहा है। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको टेक करना, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के चलो, इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं। बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, जितने भी कंडीशन है जितने भी केसेस है। किसी बच्चे को आज की वीडियो में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ होगा तो कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा तो भाई वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो,
कल तक ये टॉपिक आपका पीपीए कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जाम में इस तरीके से आपको टेबल्स रखना है, वर्किंग नोट जो वो बनाना है मींस कंपलसरी वो बनाना पड़ेगा आपको। जैसे सैलरी का इंपॉर्टेंट है बनाना पड़ेगा, टाइम सेल्स हमारा बनता ही है, बैड डेट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वो भी था, तो मतलब वर्किंग नोट पे मार्क्स है ये चीज ध्यान रखना बीकॉम वाले एंड बैफ दोनों क्लास। जब आपका कंप्लीट ये समराइज रहेगा तो वर्किंग चेक किया जाएगा, वर्किंग बनना चाहिए मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो तो बनाना ही है आपको। क्लियर? बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग हैशटैग नंबर 6, 7, 8 कंप्लीट, बहुत जल्द ये टॉपिक क्लोज करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।